हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो गिर गया। हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दिस क्यूट क्रिस्टल लाइक प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है एलम। इंग्लिश में इसको एलम कहा जाता है और हिंदी में इसको फिटकरी कहा जाता है। सो फिटकरी नाम से तो आप लोग जरूर ही जानते होंगे, क्योंकि ये हर घर में मिल जाता है और ये बहुत ही मामूली से रेट पे आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। सो इस प्रोडक्ट के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक वास्तु के हिसाब से भी इसको यूज़ किया जाता है, सो इसलिए घर में रखा जाता है इसको। बट उसको हटाते हुए आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के ब्यूटी बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। कसम से मुझे नहीं पता थे कुछ सालों पहले तक, बट जब से मुझे पता चले मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो वही रेमेडीज़ आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वो पिंपल्स, एक्ने और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के आप ब्यूटी बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। सिंस ये एक नेचुरल रेमेडी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, तो इसको थोड़ा वर्क करने में टाइम लगता है, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज थोड़ा टाइम लेती है। तो एकदम से रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, मतलब 2 से 3 महीने, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यस, चलिए अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का, वो ये है कि आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बिल्कुल हटा देता है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे आपके फेशियल हेयर आने, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जैसे 90% तक आपकी जो फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा बाबा शेविंग और वैक्सिंग करवाने से, आपके पैसे भी बचेंगे। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपको इस प्रोडक्ट को, इसको, इस फिटकरी को आपको थोड़ा सा पीस में, मतलब चूरा बना लेना है और बिल्कुल पाउडर लाइक फॉर्म में कर देना है। उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी जब आप लेंगे तो वो पानी थोड़ा सा वार्म होना चाहिए और इसको उसमें मिक्स कर लीजिए, पूरा अच्छी तरीके से घुल जाएगा। एंड उसको आप कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पे, जहाँ जहाँ पर भी आपको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करिए और अप्लाई करके छोड़ दीजिए आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद आपको खाली नॉर्मल पानी से आपको अपना फेस धो लेना है। तो ये रेमेडी आपको वीक में 2 से 3 बार या 4 बार भी आप फॉलो कर सकते हो और ऐसे ही, और इसी रेमेडी को आपको कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक करते रहना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक नेचुरल रेमेडी है। सो नेचुरल रेमेडीज थोड़ा टाइम लेती हैं वर्क करने में, बट स्टिल उनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं। सो यस, यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस रेमेडी और आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सो इसको लगा के ऐसे छोड़ देना है और उसको थोड़ी देर बाद आप धो दीजिए। सो आपकी जो फेशियल है की जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी हद तक कम होनी आपको दिखाई, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिखेगा कि हाँ, आपके बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और थोड़े टाइम बाद आपको हो सकता है आप वैक्सिंग, शेविंग जो भी आप करते हो वो भी करवाने की नीड ना पड़े। के लिए आपको अगर पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर आपके बहुत सारे पिंपल्स, एक्नेस हुए थे और उनके निशान रह गए हैं, सो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेम तरीके से आपको फॉलो करना है, बस सिर्फ आपको फुल फेस पे या कहीं पे और नहीं लगाना है, सिर्फ आपके जो एक्ने पिंपल्स जहाँ पे एरिया है सिर्फ उन्हीं पे, उन्हीं स्पॉट्स पे आपको लगाना है। एंड बस लगा के छोड़ देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले मेथड में बताया था। तो उसको लगा के छोड़ देना है और आधे घंटे, एक घंटे बाद आपको खाली पानी से वॉश कर देना है। थर्ड पर्पज़ जो आप इस फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अगर आपको बॉडी ओडर की, लाइक आपके अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ही गंदी वाली है, आप डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स खूब भर भर के अप्लाई करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी फेल हो जाते हैं, सो आपको इस फिटकरी को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नहाने के बाद आपको क्या करना है, अपने अंडर आर्म्स एरिया में जब वो वेट होता है तो उसी टाइम ही आपको इसको अप्लाई करना है। हल्के हाथों से इसको थोड़ी देर तक रब करिए एंड इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो थोड़े टाइम बाद आपको, थोड़े दिनों बाद आपको क्या होगा कि आपको फ़र्क दिखेगा, आपकी जो बॉडी ओडर है वो थोड़ी कम हो जाएगी एंड आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस चीज़ में, ट्रस्ट मी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। एंड आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।